दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे देवराहा बाबा के सिद्धियों के बारे में। देवराहा बाबा महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। हठ योग की दसों मुद्राओं में पारंगत थे, जिसके कारण वो कभी भी पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। उनके भक्तों के द्वारा कहा जाता है कि बाबा एक साथ दो अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकते हैं। देवराहा बाबा को कई सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिसमें एक सिद्धि पानी में बिना सांस के रहने की, दूसरी जंगली जानवरों की भाषा समझ लेते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को पलभर में काबू कर लेते थे, जो एक सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है। तीसरी खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे, हालांकि बाबा को किसी ने आते जाते नहीं देखा। खेचरी मुद्रा से बाबा अपनी भूख और उम्र पर नियंत्रण करते थे। बाबा के भक्तों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कुछ कहे सुने ही अपने भक्तों की समस्याओं और उनके मन में चल रही बातों को जान लिया करते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों बाद भी यदि किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसके पूरे घर की जानकारी और इतिहास बता दिया करते थे। देवराहा बाबा हठ योग के दसों मुद्राओं में पारंगत थे, साथ ही ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान धारणा, समाधि इत्यादि पद्धतियों का उन्हें भरपूर ज्ञान था, जिससे बड़े बड़े विद्वान उनके योग ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। देवराहा बाबा का जन्म स्थान अभी एक अनसुलझा रहस्य है। उन्होंने अपना निवास स्थान पहले तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना और अपने जीवन के अंत समय में वे मथुरा में यमुना नदी किनारे रहे। बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सलेमपुर तहसील के मैल गांव में स्थित सरजू नदी के किनारे, जहां भगवान विष्णु ने अपने सातवें अवतार श्री राम का त्याग कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था, बाबा वही मचान में निवास करते थे। जैसा कि बताया गया, देवराहा बाबा की उम्र 250 साल से लेकर 900 साल के बीच रही होगी। बाबा की उम्र के विषय में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उनके कुछ भक्त बताते हैं कि बाबा हमेशा एक जैसा रहे। एक इंसान जो बाबा से कई वर्ष पहले मिलने आया था और वही इंसान जब कई वर्ष बाद बाबा से मिलने जाता है तो देखता है कि बाबा कई साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। उनकी उम्र ही नहीं बढ़ती थी। देवराहा बाबा भगवान राम के भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख से हमेशा राम नाम निकलता था। बाबा भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। उनका कहना था कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उड़पे मारो, ब्रह्मा दिखे संशय ना जानो। देवराहा बाबा प्रभु श्री राम और कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा का कहना था कि जीवन को पवित्र बनाए बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के भगवान नहीं मिलते, इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। बाबा वैसे तो नियमित प्रवचन नहीं दिया करते थे, लेकिन एक बार तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर सन 1889 में विश्व हिंदू परिषद के मंच से संदेश दिया था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि, गौ रक्षा और गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गौ हत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। बाबा गौ सेवा और गौ रक्षा के पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए भी भविष्यवाणी की थी, जो अंततोगत्वा सच साबित हुए। बात की जाए देवराहा बाबा के भक्त की तो दुनिया में लाखों ऐसे भक्त हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम जब 1911 में भारत आया तो वे बाबा से मिलने देवरिया गए हुए थे।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह जैसे महान हस्तियां उनके भक्त थे। लेकिन इन सब में जो बाबा के सबसे निकट भक्त थे उनका नाम मार्कंडेय महाराज, जिन्होंने बाबा की लगभग 10 साल तक सेवा की। इसके अतिरिक्त फिल्मी दुनिया के भी कई नामचीन हस्तियां और बड़े बड़े अधिकारी भी बाबा के भक्त रहे हैं, जो समय समय पर बाबा से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। दोस्तों, देव रहा बाबा पार्ट 3 वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी महान हस्तियां उनसे मिलने आते थे और उनके बारे में उनकी राय क्या थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने चाहने वालों के साथ इन्हें शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें सब्सक्राइब करके। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।